अभी भी हम उसी एक्सीडेंटल पॉइंट पे हैं जहाँ पर यह हादसा सुबह 5:40 पे हुआ है। और चलिए, मेरे साथ कुछ परिवार के लोग हैं। सर को कहाँ जा रहे थे ये और कब निकले थे? ये शाम को सर इनके रूम ओनर का कहना है कि शाम को ये वहाँ से निकले हैं जम्मू के लिए। तो वहाँ से रात को इन्होंने ट्रैवल किया है। अब वहाँ सुबह 5:40 पे यहाँ पर गाड़ी गई है। तो ये किस लिए मुड़े हैं वहाँ से? कोई बोलता है किश्तवाड़ में इनका कुछ पेमेंट थी, उसको लेना था इन्होंने। तो अब किश्तवाड़ के लिए मुड़े हैं या यहाँ पर तेल डलवाया है? तो सुबह 5:40 पे वापस आके मतलब कौन कौन थे गाड़ी में सवार, कौन कौन निकले थे? घर से निकले थे ये हस्बैंड वाइफ, उनकी बच्ची थी एक छोटी, तो तीनों को लेके जम्मू पहुँचाना था। ये तो था, वो घर में भी बात करके गया था कि मुझे फैमिली को जम्मू पहुँचाना है। तो वहाँ से वापस अब तेल डालने के लिए मुड़ा है। आगे से क्या हुआ है क्या पता। सुबह ये जम्मू जा रहे थे तेल डालने, चाहिए आगे वाले जम्मू जम्मू के लिए ये रात को निकले थे। रात को 8 बजे ये घर से निकला। हाँ, खलानी में गए थे, यहाँ से पता चला ये गन ब्रिज है ना, वहाँ तक कोई मैं किसी बंदे ने कहा कि मैं वहाँ तक गया, वहाँ से वो मुड़े फिर रात को गए वो शायद किश्तवाड़, क्योंकि ये बिजनेस करता था, इसका कुछ पेमेंट का था, तो शायद सुबह ही निकला है। तो वही कारण हो सकता है, और क्या हो सकता है फिर। अभी थोड़ा किश्तवाड़ भी कंफर्म करते हैं किसके गया किसके नहीं गया, क्योंकि तेल डालने का तो मतलब ही नहीं है। तेल तो यही भी है, साथ में ही है पेट्रोल पंप आगे मलहोरी के आगे खलेनी में है। तो ऐसा है कुछ, तो ये मियां बीवी और बच्चा साथ में था, ये ऑन स्पॉट हुआ जो एक्सीडेंट। यंग थे दोनों? यंग इसकी एज तकरीबन कोई 32-30 ऐसी है, और उसने इसको एक बच्ची भी है। बड़ा अच्छा एस्टेब्लिश था अपने काम काज में, बड़ा ठीक ठाक। चलिए, काफ़ी दुखद समाचार है। कपल थे दोनों और काफ़ी यंग थे और काफ़ी खूबसूरत थे, बच्चे भी थे इनके साथ। रात को आपने कहा कि स्टोरी भी डाली है इन्होंने 10 बजे, सोशल मीडिया पे अपनी मतलब पोस्ट की है, और बहुत ही अच्छी पोस्ट की है। 3-4 पोस्टें डाली हैं, उसमें से 2 फोटो अपने पूरी फैमिली के हैं, एक लास्ट में उन्होंने एक दुखद वाली कुछ एक स्टोरी डाली है जिसमें थोड़ा मियाँ बीवी का डेथ का है। तो अब ऊपर वाले की है। कभी इस तरह की स्टोरी डालते थे पहले? पहले मेरे साथ जब से फेसबुक पे हैं तो इतनी ज़्यादा उन्होंने पोस्टें नहीं डाली अपने फैमिली की, और वैसी पोस्ट तो बिल्कुल मैंने आज तक नहीं देखी। क्या कोई सैड स्टोरी? सैड स्टोरी थी, एक मियाँ बीवी की सैड स्टोरी थी। रहने वाले कहाँ? भद्रवाह सुंग। भद्रवाह सुंग जो गट्टी मोड़ है, गट्टी मोड़ वहाँ भालड़ा नियाबत वहीं का वो सोंगई गाँव है, सोंगई पंचायत है ये, इसमें पड़ती है भद्रवाह ब्लॉक में, सोंगे के रहने वाले थे। आपके कौन थे? मेरा मित्र है हमारा, बल बिल्कुल ही कोई 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एक ही गांव समझो हमारा। हमारा मानवा पड़ता है, इनका सोंगे ही पड़ता है। तो सुबह जैसे सुना तो फिर इनके पास गाड़ी नहीं थी, तो गाड़ी लेकर ओए अशोक भद्रवाह। ये तमाम परिवार के लोग हैं और काफ़ी दुखद समाचार है। और ये इनके भाई हैं जिनकी इसमें बताया जा रहा है, लेकिन हम अभी इसकी चीज़ की पुष्टि नहीं कर सकते हैं क्योंकि गाड़ी का हादसा यहां से हुआ है। और 3 लोग बताए जा रहे हैं जिसमें सोनिया सिंह उनकी वाइफ थी, मनजीत सिंह उनका खुद का नाम था, और बच्ची का नाम जो है सुखविंदर था, यानी छोटी सी बच्ची। आपको ये पोस्ट में भी हम दिखा देंगे कितने यंग थे और कितने खूबसूरत देखने में भी थे। और ये तस्वीरें अभी देख सकते हैं जहां पर SP डोडा, तहसीलदार डोडा और SDRF की टीम जो है लगातार यहां से प्रयास कर रही है कि उस गाड़ी को जो है खोजा जा सके और ढूंढा जा सके। आप तक बस ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना था हमें कि कितने लोग इस गाड़ी में थे, कहां जा रहे थे, ये पुष्टि करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इन्होंने बताया कि रात के समय वो भद्रवाह से निकले हैं, कहीं अपने रूम से कहीं खलेनी जाते हैं, वहां से कहा जा रहा है कि किश्तवाड़ गए हैं, और क्योंकि ये किश्तवाड़ वाला रास्ता है जहाँ पर यह हादसे का शिकार हुआ है। और अभी भी आप देख सकते हैं नीचे रेस्क्यू टीमें वहाँ पर पहुँची हुई है, ये इस साइड से आप देख सकते हैं जहाँ पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। थोड़ा सा आगे जाकर भी थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि काफ़ी दुखद समाचार है जिस तरह से इन्होंने बताया हमें। और ये देख सकते हैं जहां पर रेस्क्यू टीम नीचे खोजने का प्रयास कर रही है और SDRF की टीम तमाम चीज़ें, और जिस तरह से इन्होंने बताया वो तस्वीरें भी आपको दिखा सकते हैं हम आपको प्ले कर देंगे इसमें, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बताया कि मंजीत सिंह और सोनिया सिंह इस तरह की स्टोरी कभी भी अपने सोशल अकाउंट पे नहीं डालते थे, कल उन्होंने इस तरह की पोस्ट की है, तीनों ने आपसी जो फोटो डाली है वो जो है दिखाएंगे आपको।
काफ़ी दुखद है और अब पुलिस भी जो है इस चीज़ को ट्रेस कर रही है कि ये नंबर फ़ोन नंबर कहाँ कहाँ तक ये गए थे और किस समय ये कहाँ तक कहाँ कहाँ की इनकी लोकेशन जो है उसमें आती है ये कहना काफ़ी मुश्किल है। SHO भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और तमाम लोग और इसी जगह पे ये प्रॉपर हादसे होते रहते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जिन लोगों का हादसा होता है उनकी समाधि वगैरह बनाई दी जाती है। लेकिन काफ़ी दुखद है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को अब ऐसा करना चाहिए, ये बराबर फेंसिंग कर देना चाहिए क्योंकि इस तरह के लगातार हादसे होना और बस के भी इसमें हादसे हुए थे, यानी एक बस यहाँ से घिरी थी और एक बस जो है पाली वाली सामने पलटी थी, यानी ये एक्सीडेंटल जोन बन चुका है। लेकिन अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा करना चाहिए, काम तो चल रहा है लेकिन कम से कम पैराफिट और तमाम चीज़ें जो सड़कों के साइड पे हों वो होनी चाहिए। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, मैं विकास मन्हास टोडा।